हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना मिश्रा और आप देख रहे हैं पकवान विद कल्पना। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूं दाल मखनी। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते। दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए दाल। तो ये है काली उड़द, साबुत उड़द है 150 ग्राम और 100 ग्राम राजमा। मैंने इसमें राजमा डाला हुआ है, रात को मैंने भिगा के रख दिया था, अब ये सुबह फूल गया है। अगर आप शाम को बनाना चाहते हैं तो सुबह फुला दीजिए, शाम को इसको निकाल दीजिए। इसको भिगोने से पहले आप अच्छी तरह से धो लीजिए, खूब अच्छी तरह से मसल के, फिर उसके बाद में पानी में डाल के इसको भिगा के रख दीजिए। क्योंकि ये देखिए, जब मैंने भिगाया था तो ये काली उड़द थी, एकदम काली, और इस टाइम देखिए एकदम हरी हो गई है, डार्क ग्रीन एकदम। तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है धोना, क्योंकि बाहर के उसमें पाउडर वगैरह लगे रहते हैं, कलर वगैरह। तो इसलिए मैंने ये, मेरा ये फूल गया है। और ये है एक बड़ी प्याज, 5 लहसुन की कलियाँ जो मैंने पीस लिया है, ये 2 बड़े टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च मैंने पीस ली है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मेथी दाना, इससे सौंधापन भी आता है और जो उड़द है और राजमा है ये नुकसान भी नहीं करता है, 1/2 चम्मच। ये 1 चम्मच छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा मक्खन, हींग और ये स्वाद अनुसार नमक। ये घर के दूध की मलाई है, मैंने ले लिया है। और ये देसी घी, ये हरी धनिया पत्ती मैंने काट के रखा हुआ है। दाल मखनी बनाने के लिए दाल को हमें उबाल लेना है। इसको इतना ही पानी डालिए कि जितना आप उबल सके, 2 सीटी उबल में उबल जाती है। अगर आपकी नहीं उबलती तो आप 1 सीटी और लगा लीजिए, या साथ में खाने वाला सोडा होता है उसको डाल के और नमक डाल के उबाल लीजिए इसको। देखिए 2 सीटी में मेरी दाल और राजमा दोनों पक गए हैं। थोड़ा घुटने के लिए मैंने इसे चढ़ा दिया है फिर से, मैंने सोडा भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाल के उबाला। अब चलिए इसको, तो इसका तड़का लगाते हैं। मैंने गैस जला के कढ़ाई रख दी और ये देसी घी जो मैंने लिया था, शुद्ध घर का बना हुआ है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पर दाल मखनी है तो इसमें मक्खन उक्खन पड़ता है, तो इसलिए घी ही डालेंगे हम। ये थोड़ा घी गर्म हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, ये जो मेथी दाना लिया था, मेथी दाना, ये जीरा, ये जो प्याज मैंने पीस रखी, ये हमारी प्याज कुछ हद तक भुन गई है। अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर, अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी मसाले, ये जो मैंने हल्दी पाउडर लिया था और ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसको भून लूँगी खूब अच्छे से, मसाला भून जाए। ये मसाला अच्छे से भून गया है, घी ऊपर आ गया, अब मुझे इसमें डालनी है हमारी दाल। मैंने ये दाल पलट ली, दाल हमारी पक गई है, मसाला के साथ भी हो गई है। अब इसको हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक स्वाद अनुसार ही डालेंगे, क्योंकि मैंने उबालते समय भी नमक डाला हुआ था दाल में, तो इसलिए थोड़ा ही डालेंगे।
अगर आपको और पतली खानी है तो आप और पानी भी डाल सकते हो। और ये हरी धनिया, ये मक्खन, मक्खन में भी नमक होता है ना, तो इसलिए नमक टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। दाल मखनी हमारी बनके तैयार हो गई है। घर में बन सकती बहुत इजी तरीके से, देखिए कुछ वो भी नहीं लगा, घर के ही सामान से हमारी दाल मखनी रेडी। आप घर में ही बना के खाइए, रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। मैंने दाल मखनी सर्व कर ली है, आप लोग भी ऐसे बनाइए, ट्राई करिए एक बार, देखिए बहुत इजी तरीके से बनती है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।